सो फ्रेंड्स आज हम मैगी बनाएंगे, मैगी अप्पी कुछ भी बोल सकते हो जैसे आपकी श्रद्धा। हमने प्याज और मिर्च काट लिया है आई, और अब मैं जा रही हूँ अपने किचन में लॉल पहली बार। ओके फ्रेंड्स, तो ये है अप्पी, या ये अप्पी है। अब मैं इन पैकेट्स को फाड़ने जा रही हूँ, और आज मैं आपको कुछ अलग तरीके से अप्पी मैगी इस प्रजाति की जो भी चीज़ें होती हैं वो मैं बनाना सिखाऊंगी। फुल फुल देखो, ऐसे पैकेट को फाड़ेंगे, फिर इसको खाली करेंगे। इसके अंदर का जो दूसरा पैकेट होता है ना, ये गिर गया, इसको हटा देंगे, ठीक है, आई मीन साइड रखेंगे। हट जा, वीडियो बंद कर रहा है कपड़ा। ओके, तो खुल जा, खुल जा, खुल जा, खुल जा। फ्रेंड्स, मेरे को एक ही हाथ में, एक ही हाथ से काम करना पड़ा। रुक जाओ, अब हम पूरा फाड़ के बनाते हैं इसको वीडियो, रुको। ओके सो फ्रेंड्स, मैंने अप्पी चारों फाड़ लिए, और अब तुम लोग सोचोगे कि मैं ऐसे ही डालूंगी, लेकिन नहीं, मैं इसको पूरा चकना चूर कर दूंगी। अब तुम लोग सोचोगे कि अप्पी क्यों खा रही है, मैगी क्यों नहीं खा रही है, तो वो इसीलिए क्योंकि ये अप्पी थोड़ा अलग टेस्ट करती है जिस वे में मैं बनाने वाली हूँ। आई नो कि मैगी का ऐतिहासिक रूप से एक अलग, क्या बोलते हैं उसे, एक अलग ही स्थान रहा है। तो बट ये अप्पी भी कम नहीं है, कम मत समझो ये अप्पी को, ठीक है। तो अब हाँ, पूरा इसको पूरा चम्मच नहीं करेंगे, पूरा थोड़े थोड़े उसके पीस रहने देंगे, और बाकी पूरा ऐसे कर देंगे। ओह गॉड, थानोस का हार देखा, चुप चुप की बजाते ही सब हो गया। ओके, तो आपको लेनी है कटोरी। इसमें अब हम जो पैकेट हमने अलग रखे थे, ये जो मसाले के पैकेट होते हैं, ये हम इसमें सब खोल के डालेंगे, समझ गए, समझ गए ना। फिर से ऐसे ही करना, तभी वो वैसी बन पाएगी जैसी मैं बता रही हूँ। ओके रुको। ओके सो लाइक दिस, ठीक है, सारे पैकेट अब हमने खाली कर लिए हैं। मेरे काले हाथों पे ज़्यादा ध्यान मत दो, जो मैं बना रही हूँ उस पर ध्यान दो, जो गिर गया तुम्हारी वजह से। बाहर लेक्चर चल रहा है कोरोना के ऊपर, आई डोंट लाइक लेक्चरर्स, सॉरी गलत बोल दिया, आई डोंट लाइक लेक्चरर्स। या अब मैंने फ्लेक्स मारा, चलो यहाँ की शोभा बिगाड़ रहा है, हटो। चलो भाई, ये ऐसे बाद में फेंकेंगे। अब क्या करना है, हाँ रुको, अब हमने ये लोटा में पानी ले लिया है, इस लोटे में पानी ले लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा पानी, समझ गए ना, थोड़ा सा मतलब देख लो कितना डाल देना, बस इतना, ठीक है, मसाले में डाल देंगे। ठीक है, जाओ साइड में, और क्या करना है, अब हम डालेंगे इसमें नमक, ठीक है, वो भी ख़त्म हो रहा है, लॉल मम्मी मारेगी। आ जा भाई, एक हाथ में दिमाग खराब हो जाता है तो लेक्चर दिया जा रहा है। हाँ, तो आप लोग कृपया एक हाथ से डालने का ट्राई ना करें, क्योंकि यप्पी में थोड़ा ऑलरेडी नमक ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा पड़ सकता है आपसे, समझ गए, मेरे से भी पड़ गया लग रहा है ज़्यादा, और मेरा एक ही हाथ से खाली है, तो मैं एक ही हाथ से डाल रही हूँ, समझ गए। ओके, तो अब हम इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं, ठीक है, चलो तड़ंग तड़ंग तड़ंग, पानी है हमारे पास, मैगी है, ये पी है, ठीक है, और ये खोल है, और ये मेन मटेरियल, इज द मेन मटेरियल, लेट्स गो। तो गैस पे हम रखेंगे एक कढ़ाई, पैन, कुछ भी रख सकते हो, जो चीज आपके पास अवेलेबल हो, चाहे भगोना, कुछ भी, ठीक है। तो अब इसमें हम डालने जा रहे हैं पतंजलि रिफाइंड, मतलब अमीर लोग चाहे तो देसी घी भी डाल सकते हैं, बट मैं रिफाइंड पसंद करती हूँ, तो मैं वही डाल जा रही हूँ। एक्चुअली इसमें थोड़ा ऑलरेडी पड़ा है, और ये गया 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 गया, और उसमें आपको ठीक ठाक डालना, लाइक ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। ओके सारे, ओके सो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मिर्च डालेंगे, अगर आप लोग तीखा ज्यादा पसंद करते हैं, वैसे मैंने यहाँ काट ली है, आप लोग बहुत ज्यादा भी काट सकते हैं, वैसे बहुत लग रही है मुझे, बट ये इसमें शायद तीखी नहीं है, तो मैं थोड़ा सा मतलब नन्ना सा और डालूंगी, ठीक है। अब ओके सो थोड़ी सी डालेंगे, अगर तुम लोग बिल्कुल ही तीखा नहीं खाते तो मत डालो। ओके चलो, इतना सा क्या डालना, अरे अरे यार। ओके सो लेट्स गो, ओह शिट, जल्दी डाल दो जी, शिट। ओके अब हम जल्दी से हम लोग प्याज भी डाला। ओके ओके, तो करो ना। ओके सो तब तक हम इसे ब्राउन होने तक, हाँ ओके सो अब मैं बन चुकी हूँ मोमोज मास्टर शेफ इंडिया। अब हम इसे ब्राउन होने तक इसको भूनेंगे, मतलब थोड़ा सा चला भी सकते हो बीच में चमचे से, इसको ठीक से डालो यार, यही तो बदतमीजी होती है, अब जाता है एक हाथ से कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। मैं इसको इसी वाले चम्मच से घुमाऊंगी, क्योंकि मैं छोटे ज़्यादा, मैं छोटे चम्मच में भी इसे कर सकती हूँ, गैस हल्की हो गई, तो तेज़ कर दो, ज़्यादा तेज़ हो गई। ओके सो अब मैं इसको थोड़ा घुमा रही हूँ, लाइक फ्राई कर रही हूँ, ताकि वो जले ना एक ही साइड, आई बता रही हूँ। तुम लोग बड़ा चम्मच यूज़ कर सकते हो, कॉल तुम्हारा हाथ ना जल जाए, यू नो मैं मास्टर शेफ हूँ, तो मैं तो कुछ भी जलने का सवाल ही नहीं, मुझे सब कुछ बिना देखे ही बनाना आ जाता है। ओके अब पूछोगे कैसे बनाना आ जाता है बिना देखे सब कुछ, ये बहुत हाई कोर्स होता है, ऐसे कुछ कम ही लोग कर पाते हैं। ओके सो ये हो रहा है धीरे धीरे, एंड तो जो ये वाला है ये बहुत थोड़ा डिफरेंट है, और इसमें बहुत टेस्टी बनती है, ना बने वो तो तुम्हारी गलती है, उसमें मेरी कोई गलती है, जैसे मैं बता रही हूँ,
उसमें मेरी टेस्टी बनती है। तो हे गाइस वेलकम बैक। मुझे लगता है अभी हाफ ब्राउन हो चुका है, आई मीन ये हाफ पैंट है, बिल्कुल ज़्यादा अच्छा लगेगा एक्चुअली, हाफ पैंट अच्छा लगता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें है, ये जो हमने मसाला रेडी किया है मसाले का घोल, उसको हम इसमें नहीं नहीं क्या करना था, हाँ नहीं 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 हाँ हाँ ये जो भी है बना रही हूँ इसमें। ओह हो मास्टर शेफ अच्छी नौकरी मिली इस वजह से मुंबई में। चलो अब हम डालेंगे इसमें हाथ संभाल के डालना, नहीं ये ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई, ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं डालना है, सिर्फ पानी डालना होगा, प्लीज़ आपको हमने इसमें डाल आई बस समझे आप, ये जो लुटिया का पानी था इसको इसमें डालते हो, पानी देखना कितना डालना है, पानी इतना डालना है जितनी की बस ये डूब जाए। ओके सो ये हो गया, मतलब ऐसा भी नहीं है पूरा पानी भर दो, बिल्कुल उसको नाक तक डुबा दो इतना हमारे। ओके कॉज ये हम जो भी है बाद में बताऊंगी। ओके ये हो गया, अब हम इसको मम्मी की मार से बचने के लिए उसी प्लेट से ढकेंगे जैसे हमने काटी थी सब्जियाँ, क्योंकि बर्तन ज़्यादा होंगे तो जितनी मैगी खाई है वो सब निकल जाएगी बाद में। एंड गैस को करना है ना ज़्यादा बहुत कम ना ज़्यादा बहुत तेज, इसको रखना है मीडियम पे। ओके ओके भाई ठीक है, और इसको ढक देना है, ऐसा नहीं ढक के सो गए घोड़े बेच के, उसके बाद आपको देखना भी है, चेक भी करना है बीच बीच आके। अब मैं जाती हूँ अंदर, अब मैं आती हूँ बाद में जब ये बन जाएगी। ओके लेट्स शेक इट आउट। चप्पल जिसके अंदर चला गया, ओशिट ओशिट क्या करूँ। ओके वेल देयर इज नथिंग आई कैन डू, मुझे दूसरा चम्मच लेना पड़ेगा। तभी छोटे चम्मच ना लें, इससे आपको क्या सीख मिलती है, इससे आपको ये शिक्षा मिलती है कि आप छोटे चम्मच ना लें। वैसे ये ऑलमोस्ट पकने वाला है। ओके अब इसको खोल के ना बीच में इसको खोल के इसका पानी सूखने दो, आई थिंक ये थोड़ा बहुत हो चुका है, बट जब तक ये पूरा सूखेगा तब तक ये पक जाएगा अच्छे तरह से, इसको पानी ऐसे ही सूखने दो। ओके सो अभी मैं देखती हूँ मेट्रेस ठीक है, जो भी देखते हैं इसको थोड़ा सा टेस्ट करके, इसका सूप टेस्ट करके देखती हूँ मैं। यम्मी यस यम्मी यस दिस इज यम्मी यस। ओके ये वाला हम डाल देते हैं, मैं दूसरा चम्मच लेती हूँ। इसको बीच में हल्का हल्का सा थोड़ा घुमाते भी रहना, यानी कि लगे सो गए। अब देख लो तुम लोग कैसा बन रहा है, इतना बनने दो ना, मतलब देखना फिर तुम मेरे हाथों का जादू। ऐसे ऑलमोस्ट पक चुकी है, बट तुम लोग चाहते प्लेटी प्लेटी भी छोड़ सकते हो, अगर तुम लोग थोड़ा सा सूप खाते हो तो पीते हो तो। ओके बाकी मैं इसे सूखा खाना पसंद करती हूँ, तो मैं इसे और अभी थोड़ा सा सुखाऊंगी। ओके सो मैं इसमें थोड़ा नींबू डाल दिया है, वैसे मैं दिखाने के लिए डाल दी वीडियो बनाने के लिए, और मतलब नींबू डाल के हो गया तो मज़ा ही आ जाएगा, अगर ऐसी आनी है तो ऐसी खाओ, मतलब पता है मुझे देखने में चीज़ें लगी, बट यार एक बार तुम लोग बना के खाओगे ना तो तुम लोग भी बोलोगे वाह दीजिए वाह। ओके टाटा।